हेलो स्टूडेंट्स, ओ टू एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के एमसीक्यूज शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, कि हमने एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है जिसके अंदर हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे द हिंदू में आए हों, चाहे इंडियन एक्सप्रेस में आए हों, या फिर PIB पर आए हों, या फिर ऐसी जो भी न्यूज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, उन सारी न्यूज़ को हम MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। डेली के हम 10 MCQs यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक पेनेशिया बताती हूँ कि अगर आपको अपने प्रिलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो पढ़ना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपने करना क्या है, बस जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने रिविज़न करनी है और अपने एफर्ट्स में आपने कंसिस्टेंट रहना है, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप डेली के जो करंट अफेयर्स हैं इसको MCQs के द्वारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके प्रिलिम्स एग्जाम के अंदर आपको MCQs ही देखने को मिलेंगे और आप एक तरह से एक मेथड जो है, एक पैटर्न जो है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कैसे मैंने MCQs को वहां पर प्रैक्टिस करना है। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS Academy की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। अब ये जो उड़ान स्कीम है ये न्यूज़ में किस लिए है, तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि त्रिपुरा और मणिपुर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है इसी स्कीम के अंडर, दैट इज़ उड़ान स्कीम के अंडर। तो अब अगर मैं उड़ान स्कीम के बारे में बात करूँ तो 2016 के अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने स्कीम को लॉन्च किया था और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है या फिर जो भी एयरपोर्ट्स फंक्शनल नहीं है, उन सारे एयरपोर्ट्स को फंक्शनल बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इवन आपने देखा होगा कि जो उड़ान स्कीम है उनको अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके लिए भी ओपन किया जा रहा है, जैसे आपका किसान उड़ान स्कीम है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके एयरपोर्ट्स वगैरह हैं या फिर जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं उनको, जो आपकी फार्मर्स की जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा, जितनी भी आपकी पेरिशेबल क्रॉप्स होती हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उड़ान स्कीम का जो है यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे ऐसे अनसर्व्ड और अनरिजर्व्ड जो एयरपोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। बात कर लेते हैं पहली स्टेटमेंट के बारे में कि इट इज़ रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे अलग अलग रीजन्स को एयरपोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है या फिर फ्लाइट्स के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ये इकोनॉमिकली वाइबल फ्लाइट्स जो हैं, ये जो स्कीम है बेसिकली ट्राई करती है कि इकोनॉमिकली वाइबल फ्लाइट्स को यहाँ पे बनाया जाए और हमारे जो देश के आम नागरिक हैं उनके लिए ये जो फ्लाइट्स हैं ये अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि लॉन्च तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने करी थी लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनको अलग अलग जो प्रोपोर्शंस हैं ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर एक पर्टिकुलर रेशो होती है, जैसे 90:10 होती है कई बार, या फिर 60:40 होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट करी जा रही है। तो दैट मीन्स आपकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। तो अगर मैं इन कमिटीज़ के बारे में बात करूँ तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा ना कि जो यहाँ पर एक IT के लिए स्टैंडिंग कमेटी है, इन्होंने बात करी है कि जो नया ड्राफ्ट IT बिल आया है उसके अंदर वेग टर्म्स को यूज़ किया गया है। तो अब ये स्टैंडिंग कमिटीज़ है क्या, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 3 टाइप की स्टैंडिंग कमिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। एक तो आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, दूसरी आपकी होती हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, और तीसरी होती हैं अदर स्टैंडिंग कमिटीज़। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में, जिसके अंदर आपको 3 कमिटीज़ देखने को मिलती हैं। एक आपकी होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, दूसरी होती है आपकी एस्टिमेट्स कमेटी, और तीसरी
होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो कि सेकेंड नंबर पर आता है। हमारी कंट्री के अंदर 1993 के अराउंड यहाँ पे टोटल 17 कमेटीज थी, लेकिन अभी 2004 के अराउंड यहाँ पे 24 कमेटीज़ जो हैं इनको बना दिया गया है, और अभी रिसेंटली टोटल आपको 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ देखने को मिलेंगी। ये जो कमेटीज़ हैं, इसमें से 24 में से जो 16 कमेटीज़ हैं वो लोकसभा की गाइडेंस के अंडर आती हैं, और बाकी की जो बची हुई कमेटीज़ हैं वो राज्यसभा की गाइडेंस के अंडर आती हैं। हर एक कमेटी के अंदर आपको 31 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 21 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए मेंबर्स हैं दैट इज़ 10 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ध्यान देना है कि इन मेंबर्स के अंदर जो भी इन कमेटीज़ के अंदर मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स नहीं होते। अगर इन कमेटीज़ के अंदर कोई भी मेंबर जो है वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया गया है, तो वो मेंबर जो है उस कमेटी के अंदर से वो सीज हो जाएगा, दैट मीन्स वो उस कमेटी का मेंबर फिर नहीं रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करना होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो सबसे पहले उस बिल को डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा होकर आना पड़ता है। तो दैट मीन्स ये हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाता है पार्लियामेंट के लिए। तो आप देखेंगे कि हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी, और आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो इस कमेटी का मेंबर नहीं होता है। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो रिसेंटली आपने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी देखा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अपनी स्पेशल मीटिंग को कंडक्ट करवा रही है 3 नवंबर को। तो ऐसा जो इन्होंने शेड्यूल लॉन्च किया था, देखो जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर आता है तो उस टाइम पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है अपने पूरे आने वाले अगले साल का जो शेड्यूल है उसको रिलीज कर देते हैं कि हम कब कब जो है वो मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे। तो मार्च 2022 के अंदर जो शेड्यूल लॉन्च किया गया था उसके अंडर बेसिकली ये था कि हम हर 2 महीने बाद मीटिंग को कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन अभी जो नवंबर 3 को मीटिंग होने वाली है जो कि स्पेशल मीटिंग है वो इस शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो एज सच अगर मैं बात करूं जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है तो वो 6 बार मिलेगी, ठीक है, जो भी उन्होंने शेड्यूल लॉन्च किया है मार्च 2022 के अंदर उस हिसाब से वो 6 बार मिलेंगे और हर 2 महीने के बाद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अपना शेड्यूल पहले ही रिलीज कर देती है अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इस शेड्यूल के अंदर नवंबर 3 की मीटिंग नहीं थी। कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर 2% से लेके 6% के बीच का जो इन्फ्लेशन टारगेट है इसको मेंटेन करके रखना है। पर रिसेंटली जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% से और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है, तो बेसिकली वो उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे जो आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट कौन से ईयर का है, 1934 का, इस आरबीआई एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन है दैट इज 45ZN सेक्शन। तो इस सेक्शन ये सेक्शन बेसिकली ये बताता है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अगर वो इन्फ्लेशन टारगेट को एक तरह से फुलफिल नहीं कर पाएंगी तो उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो फेल क्यों हो गई टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक तो ये सेक्शन आपने ध्यान रखना है। दूसरा सेक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि एक है रेगुलेशन 7, तो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन 2016। तो इस रेगुलेशन के अंडर ही ये बताया गया है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी ने कभी भी कोई स्पेशल मीटिंग करनी है तो इस रेगुलेशन के अंडर वो स्पेशल मीटिंग जो है इसको बता सकते हैं। तो दैट मींस यहाँ पे आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी और आपका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इवन इन्होंने भी बात करी है कि अभी हम नॉर्थ तक तो आ गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है इन यूनियन टेरिटरीज़ को बनाया गया था। तो इवन जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने बात करी है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन तक भी जाएंगे और हम इसको लेकर रहेंगे टाइप्स, ऐसे करके बात करी है। आपने इतना ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं होना है, आपने एक तरह से इसको पढ़ाई के तौर पे लेना है और इसको देखना है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे रेलिवेंट है।
बाकी आप थोड़ा सा अपना वाइडर व्यू बना सकते हैं इस रीजन के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गिलगित बाल्तिस्तान वाला रीजन है, इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वाले रीजन में कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं या फिर कौन कौन से जो रीजन्स हैं वो लोकेटेड हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गिलगित बाल्तिस्तान के वेस्ट वाली तरफ आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, देन इज साउथ वाली तरफ आपको आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है ये देखने को मिलेगी, ईस्ट वाली साइड आपको थोड़ा सा चाइना देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमारा जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है ये भी देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये तो हो जाएगी करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो जो गिलगित बाल्तिस्तान वाला रीजन है ये पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है और ये एक लैंड बाउंड्री है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो 1963 के अंदर पाकिस्तान ने ये जो पीओके वाला रीजन है, इस पीओके वाले रीजन में ये जो गिलगित बाल्तिस्तान वाला रीजन है इसमें जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है इस ट्रैक्ट को चाइना को दे दिया था 1963 में। अभी अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो गिलगित बाल्तिस्तान वाला रीजन है दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान और वहाँ के बेसिकली ये जो रीजन है जो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर पाकिस्तान की जो ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ के लोग बोलते भी रहते हैं कि हमें जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए क्योंकि उनको यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलते हैं तो इसलिए ये बोलते रहते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कमिटी फॉर ग्रीवेंस रीएड्रेसल ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हमारे जो मिट्टी के मिनिस्टर हैं दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने बात करी है कि हम एक ग्रीवेंस रीड्रेसल की जो एपिलेट कमेटी है इसको बनाएंगे। तो अब ये कमेटी क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोशल मीडिया है और OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इमर्ज कर रही हैं धीरे धीरे, जिसके अंदर आपके अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये सारे आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं। तो अब यहाँ पर अगर जो भी यहाँ पे पब्लिक है या फिर यहाँ पे जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं अगर इनको कोई इशू आता है तो ये किसके पास जाएंगे, तो यहाँ पर जो IT रूल्स हैं उसके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया कि हर एक सोशल मीडिया जो है उन्हें खुद का ग्रीवेंस ऑफिसर जो है इसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबने अपने जो ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट कर लिया, तो दैट मींस जो यहाँ पे रीएड्रेसल मैकेनिज्म है ये सेल्फ रेगुलेटिंग था पहले, लेकिन अभी जो मिट्टी मिनिस्टर हैं इन्होंने ये बोला है कि हम यहाँ पर एक अलग से कमेटी को बना देंगे जो कि ग्रीवेंस रीएड्रेसल की एपिलेट कमेटी होगी। दैट मींस अगर किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी इशू आता है और वो इशू आपका जाता है ग्रीवेंस रीएड्रेसल ऑफिसर के पास, तो अगर वो इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ये इशू की जो अपील है आप कहां पे कर सकते हैं, ग्रीवांस एपिलेट कमिटी के अंदर। तो इस कमिटी की यहां पे थोड़ी सी टर्म्स भी बताई गई कि इस कमिटी के अंदर टोटल 3 पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, एक चेयरपर्सन होंगे और 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। अब सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में यहां पे बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई इशू आता है और वो ग्रीवांस ऑफिसर रीएड्रेसल ऑफिसर के पास जाता है और कोई भी पर्सन अगर इनके जो भी ज्यूरिसडिक्शन आई है या फिर जो भी यहाँ पे जजमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं अगर उससे खुश नहीं है तो वो दोबारा से अपील कर सकते हैं, लेकिन वो जो अपील है 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। और इवन यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो ग्रीवांस एपिलेट कमेटी है ये हर किसी इशू को 24 घंटे के अंदर अंदर एक्नॉलेज करेंगे और अगले आने वाले 15 दिन के अंदर इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वन नेशन वन यूनिफॉर्म। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो चिंतन शिविर है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हरियाणा के सूरजकुंड के अंदर। तो अगर मैं इस चिंतन शिविर के बारे में सबसे पहले बात कर लेती हूँ, ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग इवेंट होता है जिसके अंदर हमारी कंट्री के जितने भी होम मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट के होम मिनिस्टर्स हों चाहे वो यूनियन के होम मिनिस्टर हों, तो ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इवन यहाँ पे जो DGPs हैं पुलिस फोर्सेज के ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्रेटरीज भी पार्टिसिपेट करते हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने बात करी है वन नेशन वन यूनिफॉर्म के बारे में। तो अगर मैं वन नेशन वन यूनिफॉर्म के बारे में बात करूं तो ये बात करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो पुलिस फोर्सेज हैं
अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको अलग अलग यूनिफॉर्म्स देखने को मिलती है। तो पुलिस फोर्सेस के रिगार्डिंग ही यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करी गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 7th शेड्यूल है ये बात करता है तीन लिस्ट्स के बारे में। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि लिस्ट नंबर 2 है, उसके अंदर देखने को मिलेगा कि जो पब्लिक ऑर्डर है और जो पुलिस है ये दोनों आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर लाई करती है। दैट मीन्स इसके रिगार्डिंग लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ये बताया गया कि जो हमारी पुलिस फोर्सेज हैं उसके रिगार्डिंग लॉ बनाने की जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्योंकि आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है तो आपका आंसर बनेगा नीदर वन नॉर टू। बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने बोथ वन एंड टू लिख दिया है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, दैट इज नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हाथी कम्युनिटी। तो आपने देखा भी होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शंस आ रही हैं तो यहाँ पे अलग अलग इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हाथी कम्युनिटी है वो भी न्यूज में थी और इवन आपने पहले भी देखा होगा कि हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं इन्होंने ऐसी स्टेटस देने की बात करी है हाथी कम्युनिटी को। तो उनके रिगार्डिंग ही यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ पर रहती है, कौन से रीजन में रहती है। तो यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है जहाँ पे आपको अलग अलग रिवर बेसिन्स जो है ये देखने को मिलते हैं। एक गिरी रिवर बेसिन हो गया, एक आपका टोन्स रिवर बेसिन हो गया, जो कि दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इस बेसिन के अंदर आपको हाथी कम्युनिटी ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये हाथी कम्युनिटीज़ क्या करते हैं तो यहाँ पे जो अलग अलग होम ग्रोन क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, वूल है, इन सब को मार्केट्स में जो कि वहाँ की लोकल होती हैं, हार्ट्स होती हैं, उनके अंदर जाकर बेचते हैं। तो ये इनका ट्रेडिशनल काम है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं तो दैट इज़ रिलेटेड टू टूलू लैंग्वेज एंड कोड ऑफ लैंग्वेज। तो अगर मैं इन लैंग्वेजेस के बारे में बात करूँ, रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कर्नाटका के अंदर कन्नड़ डेवलपमेंट बिल जो है ये लेकर आया जा रहा है और यहाँ पे जो टुल्लू स्पीकिंग लोग हैं और जो कोड ऑफ स्पीकिंग जो पीपल हैं ये बात कर रहे हैं कि इन लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल स्टेटस जो है ये देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर आपको 22 लैंग्वेजेस जो हैं ये देखने को मिलती हैं, लेकिन उनके अंदर ना तो कोड ऑफ लैंग्वेज है और ना ही टुल्लू लैंग्वेज है। तो इसके रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था जो टुल्लू स्पीकिंग लोग हैं वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर उनका रिचुअल डांस होता है या फिर रिचुअल प्रैक्टिस होती है जिसको हम भूत कोला के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है, मैंने आपको बताया था, और जिसके ऊपर बेस्ड एक मूवी भी आई है, दैट इज़ कांतारा मूवी। तो ये वही टुल्लू स्पीकिंग लोग हैं जिनके अंदर एक फोक सॉन्ग जो है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ पढ़ना। और इवन यहाँ पे आपको फोक थिएटर भी देखने को मिलेगा, दैट इज यक्षगंगा। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कोड ऑफ लैंग्वेज भी आपको वहाँ पे जो कोडगु डिस्ट्रिक्ट है जो आपके लोअर कर्नाटका वाले रीजन में लाई करता है वहाँ के जो लोग हैं इस लैंग्वेज को बोलते हैं, जो कि एक द्रविड़ियन लैंग्वेज है और इसको हम कुर्गी के नाम से भी जानते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ कहाँ पर बोली जाती है, कोडगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ में चलती रहती हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर। तो अब ये फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी कोई भी जो वाटर बॉडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो अगर इस वाटर बॉडी के अंदर मैं एक ऐसा बैरियर बना दूं ताकि जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो एक जगह पर कलेक्ट हो जाए और अल्टीमेटली उसको मैकेनिकली रिमूव किया जाता है या फिर मैनुअली उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी वाटर पोल्यूशन होती है इसको रिड्यूस करने के लिए या फिर वेस्ट डिस्पोजल को और ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए इन बैरियर्स को बनाया गया है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि हमारी
ऑल ओवर द कंट्री ये बैरियर्स हर एक सिटी में अवेलेबल नहीं है, ये कुछ ही सिटीज़ में अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, एक तो आपका हो गया बेंगलुरु वाला रीजन, देन इज़ योर चेन्नई वाला रीजन, एक आपका पुडुचेरी हो गया, हैदराबाद हो गया, मायसूरू हो गया, तंजावर हो गया, टूटीकोरिन हो गया एंड कोयम्बटूर हो गया। तो इन सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इन सारी सिटीज़ के अंदर आपको जो ये फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर है ये देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है कि ऑल द बिग सिटीज, तो ये सारी बिग सिटीज के अंदर नहीं है, कुछ ही सिटीज में है जो कि मैंने आपको बताया है। तो आपका सही जो उत्तर है वो बनेगा वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डकार इंटरनेशनल फोरम 2022। तो अगर मैं इस फोरम के बारे में बात करूं, इस फोरम को एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है डकार। इसको जिस तरीके से भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नो वरीज अबाउट दैट, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर मैं डकार सिटी के बारे में बात करूं, तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री जो है जिसका नाम है सेनेगल, इस कंट्री की ये कैपिटल है। तो यहाँ पर इस इंटरनेशनल फोरम को अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहली बार इसको 2013 में एक समिट द्वारा शुरू किया गया था जिसका नाम है एलिसी समिट, और सबसे पहले इसको फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया था। अब किस चीज़ के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो बेसिकली पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। तो अफ्रीका वाले रीजन के अंदर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इस इंटरनेशनल फोरम को शुरू किया गया था, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग जो हेड्स हैं, चाहे वो अफ्रीकन हेड्स हैं, चाहे वो यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, तो ये सारे यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंडिया ने सबसे पहली बार इस फोरम के अंदर पार्टिसिपेट किया है जो कि मिनिस्टीरियल लेवल पर है। दैट मीन्स हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, तो इन्होंने इस फोरम के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो करंट अफेयर्स हैं MCQs के द्वारा जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। आपने इसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।